नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका एक और बड़ी खबर में। ग्रामीणों ने मंत्री को घेर लिया था। जैसे तैसे मंत्री अपनी रक्षकों की सहायता से बाहर निकले तो उसके अधिकारियों को ग्रामीणों ने घेर कर 1.5 घंटे तक बंधक बना लिए। चलिए क्या पूरा मामला देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। यदि पहली बार आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दरअसल घटना छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की है। यहाँ पर खाद्य मंत्री चिरगा गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर साइकिल वितरण के कार्यक्रम में आ रहे थे, तभी ग्रामीणों ने चिरगा गांव में मंत्री के काफिले को घेर लिया। जिस प्रकार मंत्री को वहां से किसी प्रकार उसके रक्षकों को बाहर निकाला, लेकिन जो मंत्री के साथ आने वाले अधिकारी हैं उनको ग्रामीणों ने करीब 1.5 घंटे तक बंधक बना लिया, जिसमें SDM सर, जनपद SEO, तहसीलदार और अन्य अधिकारी शामिल थे। दरअसल क्या है पूरा मामला, ग्रामीणों ने क्यों मंत्री को घेरा, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि जो एल्यूमिनियम प्लांट खुलने से करीब 90 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर का पानी लगेगा, यानी कि जो माँ कुदरड़ी एल्यूमिना रिफाइनरी फैक्ट्री उनके ग्रामीण के आसपास इलाके में लगने जा रही है, उससे ग्रामीणों का कहना है कि जो पानी है उसकी सबसे ज़्यादा खपत होगी और गनघोटा नदी है वहाँ के आसपास का नदी नाले भी सूख जाएंगे और बारह माह ये एल्यूमिनिया उत्पादन करेगी तो प्लांट से प्रदूषण भी होगा, इससे वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी को लेकर ग्रामीणों ने करीब पिछले कई दिनों से लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यही नहीं हाईवे पर भी उन्होंने कई बार जाम लगाया है। उनकी नहीं सुनने पर उन्होंने ये कदम उठाया। देते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ का साथ। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, जब इसके बारे में मंत्री से बात की गई तो मंत्री ने कहा ग्रामीणों को एकजुट रहना होगा और ग्रामीणों की कहने पर ही और उन्हीं की सहायता लेने के बाद ही ये प्लांट लगाया जाएगा, ये फैक्ट्री खोली जाएगी, अन्यथा नहीं।